so let's go with me and I know it's going to be amazing जो कि हमेशा मेरे vlogs हमेशा amazing ही होते हैं इससे थोड़ी ही मैं बनाती हूँ तो क्या देखते हैं तुम्हारा बॉसियर याद नहीं कर रहा याद दाश चली गई चलिए अब हम चलते हैं अभी सब तैयार होंगे तो जाएंगे सब तो मैं से बोलूँ पूरा खानदान ही Also meet a new member

इसके नासुक से हालात हो रहे इग्नोर दिचुएशन ऑफ द मिरर एंड जस्ट लुक एट दिस बैक इज नॉट अमेजिंग बहुत ज़्यादा नाटकबाजी करने के बाद फाइनली अब मैं घर से बाहर निकल चुकी हूँ और रास्ते में मुझे फिर से बिल्ली टकरा गई एंड वो मुझे कह रही थी मुझे क्यों निकाला मतलब घर से मुझे क्यों निकाला मैंने बोला भाई हम बीच जा रहे हैं आपको कैसे लेके जा सकते हैं तो कैट बहुत अच्छी होती हैं इंसानों से तो अच्छी ही होती हैं मुझे लगता है कि इंसानों से ज़्यादा जो है एनिमल्स आर अमेजिंग घर से निकलने में देर हो गई वैसे तो जल्दी निकलना था लेकिन क्या कर सकते हैं अब हैंड लतीफ़ तो क्या करें और आप लोग बताइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या हो रहा है कैसे कैसे लोग आपको आजकल जिंदगी में मिल रहे हैं किस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में हैं किसने आपका जीना हराम कर रखा है और कौन आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है हमें बताइए सब बता दीजिए बिकॉज uh, और क्या पूछूँ मैं कुछ और है नहीं पूछने को एंड आई वॉज रीडिंग दिस बुक कॉल्ड एक ही इट्स अ वेरी नाइस बुक इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डेवेलपमेंट एंड हाउ यू कैन मेक योर लाइफ अ बेटर एंड हैप्पी लाइफ एंड आई लव टू रीड दिस काइंड बिकॉज आई थिंक They are amazing. And I need this. काइंड ऑफ बुक्स टू रीड और इसका हालत देखने ज़रा इससे परक चे इसकी हालत बिल्कुल मेरी ज़िंदगी जैसी हो गई ये बुक की <laughs> नेबर माइंड तो अभी रास्ता जो है बहुत ज़्यादा लंबा है ख़त्म ही नहीं हो पा रहा और ऐसा लग रहा था कि सौ साल बाद पहुँचेंगे मतलब आज की तारीख में नहीं पहुँच सकते ऐसा लग रहा था बिल्कुल और मैं भी क्या करती अब मैं तो अपनी वीडियो बनाए चली जा रही थी बचपन से ही ना मुझे वीडियो और फोटोज़ बनाने का बहुत क्रेज है बाई गॉड तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए थे बीच की तरफ कब से मैं यही किया जा रही हूँ फाइनली आ गए थे यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े जंगलात हैं मेरा दिल चारा था इनके अंदर चली जाऊँ तो आप बताइए कि इस जंगल में आप किसको छोड़ना पसंद करेंगे जो आपको नहीं पसंद उसको छोड़ दें इसको नाम मेंशन करें कमेंट सेक्शन में किसको छोड़ेंगे एक दिन के लिए फिर जो भी होगा वो खुद ही सेट हो जाएगा अगर आपको परेशान कर रहा है तो खैर अब जो है हमने टिकट ले लिया था लाइक like, uh, टिकट नहीं हमने अपना सी एन आई सी दिखाया था बिकॉज दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग बीच और यहाँ पे मोस्टली रेंजर्स है होती है तो यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी होती है एंड आपको अपना सी एन आई सी दिखाना पड़ता है कि कहीं आप चोर तो नहीं है कहीं आप डाकू तो नहीं है मैं तो नहीं हूँ भाई तो अब हम फाइनली आ गए थे और यहाँ पे जो है मैं कुछ ढूंढ रही थी पानी की बॉटल ढूंढ रही थी बिकॉज मुझे समझ में नहीं आया कि पानी तो उधर भी मिलता है तो मैं घर से क्यों लेकर आई मतलब देख रहे हैं आप मेरी ऐसा मैं ऐसी हरकतें कर, ज़रूर करती हूँ वरना मेरी ज़िंदगी कहाँ चली ऐसी हरकतों में तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए थे और हमने सोचा कि हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं वैसे तो हमारा प्रोग्राम बढ़ गया था क्योंकि हमने सोचा था हम कि पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे मुझे कैट्स ना मिले ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता सो so, कैट भी देख रही थी एंड दिस इज़ आर ब्रेकफास्ट वो आई वॉज डूइंग माई ब्रेकफास्ट एंड यहाँ पर वाइब्स मैच नहीं हो रही थी हमने सोचा था कि हम बीच आएँगे ओहो बहुत मज़ा आएगा बट एक वाइब्स मैच नहीं हो रही थी तो फिर हमने सोचा कि फिर हमने सोचा कि प्रोग्राम बढ़ गया है बिकॉज़ हमको तो सुबह में आना था ना और अभी शाम हो गई थी एंड लास्ट टाइम जब मैं इधर आई थी तो मैं जो है वो तीन चार बज रहे थे और उसी टाइम जो है मैं बीच के पास थी और जब मैं घर आई तो मुझे बिल्कुल लग रहा था कि मैं कोई अफ्रीकन हूँ मतलब मैं बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी और बिल्कुल मैं ऐसी ऐसा लग रहा था मेरा मुंह किसी ने जला दिया इस तरह की मैं हो गई थी बिल्कुल उल्टी तवी बन गई थी इसलिए मुझे बहुत डर लगता है और मैंने बोला कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती मैंने सनस्क्रीन भी लगा कर आई और अगर मेरे चेहरे को कुछ हो गया तो मेरे फैंस मुझे कैसे पहचानेंगे तो इसलिए फिर हम बस यहाँ से आ गए थे क्योंकि प्रोग्राम तो बढ़ गया ना और वैसे भी मैं ब्लॉग बहुत टाइम बाद बना रही हूँ यहाँ पे हेलीकॉप्टर जा रहा था ब्लॉग मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ और इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि मैं यूट्यूब पर वापस आ गई हूँ और हमेशा मैं यही कहती हूँ फिर मैं दोबारा चली जाती हूँ लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब फाइनली मैं वापस आ गई हूँ यूट्यूब पर और गुड न्यूज़ एक जो है वो ये है कि हमारा बहुत कम वॉच टाइम रह गया है मुबारक हो बहुत कम वॉच टाइम रह गया है और मुझे पता है कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हमारा चैनल मोनेटाइज होगा सो कीप ऑन सपोर्टिंग गाइज एंड थैंक यू सो मच बाय बाय